सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित कमल किशोर फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो मित्रों, सबसे पहले आपको 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाइयां। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन यानी राखी के त्यौहार के बारे में कि राखी का शुभ मुहूर्त कब है और राखी कब मनाई जाएगी, किस तारीख को मनाई जाएगी। और मित्रों, इसी बीच हम बातचीत करेंगे भद्रा कब लगने वाला है राखी। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही रोचक वीडियो लेके आते हैं। तो मित्रों, बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राखी का त्यौहार श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे राखी को लेकर बहुत सी कहानियां निकल कर आती हैं, पर आज के समय में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो भाई बहन के प्रतीक माना गया है। एक बहन अपने भाई को उसकी रक्षा के लिए एक शुद्ध धागा बांधती है और उसके रक्षा हेतु, उसके स्वस्थ शरीर के हेतु प्रार्थना करती है, और वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेता है। इसी तरह तो मित्रों, यह राखी का त्यौहार पहले से चलते हुए आ रहा है। सभी लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो अब हम जानेंगे राखी का मुहूर्त व शुभ समय। तो मित्रों, हमारे साथ बने रहें और पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो मित्रों, अब हम जानेंगे रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त व भद्रा का साया कब है। सबसे पहले हम जानेंगे भद्रा का साया कब पड़ रहा है। इस वर्ष रक्षाबंधन का दिन भद्रा का साया है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। सुबह 5:53 पर भद्रा काल शुरू होगा और दोपहर 1:32 तक रहेगा। हालांकि इस भद्रा का वास पाताल लोक में होगा और भद्रा का वास पाताल या फिर स्वर्ग लोक में होने से यह पृथ्वी पर रहने वाले वालों के लिए अशुभ नहीं होता है। कई शुभ कार्यों में भद्रा के पाताल में वास करने को भी नजरअंदाज किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम को पंचक भी लग रहा है। 19 अगस्त को शाम 7:00 से अगले दिन सुबह 5:53 तक पंचक है। सोमवार को लगने के कारण यह राज पंचक योग होगा, इसे अशुभ नहीं माना जाता है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से लेकर रात 9:08 तक रहेगा। रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन बहनों को अपने भाई को राखी बांधने के लिए 7:38 का समय मिलेगा। रक्षाबंधन का शुभ योग शोभन योग पूरे दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:53 से 8:10 तक होगा। वहीं रवि योग प्रातः 5:53 से 8:10 तक रहेगा। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त को एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इसी दिन सावन के समापन यानी सोमवार का व्रत भी है और पूर्णिमा भी है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। पूरे देश में यह रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और भाई बहनों का प्रतीक है, उनके रिश्ते का अटूट प्रमाण है यह रक्षाबंधन। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और यह रक्षाबंधन आपके लिए सुखमयी हो, आपके जीवन के लिए, आपके आसपास पड़ोस वालों के लिए सुखमयी हो और आपका शरीर व स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और आप खुश रहें, यही कामना हम ईश्वर से करते हैं। मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। इष्ट देव सदा सहाय हो। धन्यवाद।